हर सुबह का बस एक ही सवाल कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए। गुड मॉर्निंग, आज मैं ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का चीला, साथ ही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। चीला बनाते वक्त मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोभी का इस्तेमाल किया है, साथ ही हरे धनिया की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। ब्रेकफास्ट में आप इसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, कम से कम वक्त में ये बहुत ही अच्छा नाश्ता बन जाता है। तो चलिए देखते हैं बेसन का चीला। सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए और उसमें 1.5 कप हम बेसन लेंगे, या फिर आप 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं। बेसन डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक। उसी के साथ मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पे लिया है अजवाइन, साथ ही मैंने 1/4 चम्मच लिया है हल्दी। उसी के साथ हरी मिर्च डाल दें, जैसा भी तीखा पसंद करते हैं। साथ ही डाल देंगे प्याज, एक छोटी सी प्याज बारीक काट लें, 1/2 कटोरी ले लेंगे। पत्ता गोभी बारीक काट के, थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों को मिला देते हैं और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार पानी डालते हुए इसका हम एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो ये देखिए, घोल इतना पतला होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा थिक ना रखें। तो आप डोसे के तवे पे भी चीला बना सकते हैं, मैं यहाँ पे डोसे का तवा यूज़ कर रही हूँ। तवा गर्म होते ही तेल लगा दिया है मैंने, तो अब हम बैटर ले लेते हैं। तो इस पे मैं बैटर फैला देती हूँ और जितना बड़ा तवा है उतना बड़ा मैं एक बना रही हूँ यहाँ पे बड़ा सा चीला। तो इसे मैंने एडजस्ट करके फैला दिया है, साथ ही 2 चम्मच यहाँ पे ऊपर से तेल डाल देती हूँ। फिर अच्छी तरह से पकने के बाद इसे पलट देंगे। याद रखिए, गैस का फ्लेम आप यहाँ पे फुल रख सकते हैं, अगर आप कुकिंग सीख रहे हैं तो मीडियम रख लीजिए। दोनों तरफ से हल्का सा सेकें और उसके बाद ये परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही यहाँ पे मैंने हरे धनिया की चटनी भी बनाई है, तो चटनी रख देती हूँ। देखिए, देखते ही लग रहा है ना, माउथ वाटरिंग, और वैसे बहुत ही जल्दी बन गया है ये सच में बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए, और क्रिएटिविटी एंड टेस्ट पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।